हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉबीज़ एट होम। आज मैं स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया प्लांट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए मेरा सेंसिवेरिया प्लांट कितना भर गया है। ये करीब 1.5 साल पुराना है और कितना लंबा और सुंदर लग रहा है मेरा प्लांट। तो मेरे पास ये एक वैरायटी है और एक वैरायटी जो छोटा छोटा पत्ते वाला वो वाला स्नेक प्लांट मेरे पास है, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये एक बहुत ही अच्छा और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, जिसे आप इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों ही जगह रख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में। ये देखिए, ये दूसरी वैरायटी है और इसमें भी काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स आ गए थे। मैंने इसमें से कुछ निकाल के गिफ्ट भी किया है और कुछ दूसरे पॉट्स में भी लगाए हैं। तो ये देखिए, ये जगह खाली है इस साइड पे, तो यहाँ से लगाया है मैंने दूसरे पॉट्स में और बाकी का भी फिर भी ये भर चुका है। तो इसके कुछ पत्ते जल गए हैं, थोड़ा ज़्यादा सनलाइट मिल गया था इसे, डायरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते जो हैं ये सूख चुके थे। तो ये देखिए बेबी प्लांट्स कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी भी बेबी प्लांट्स बाकी हैं इसमें। अगर लाइट की बात करें तो इस प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पसंद है। अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखा गया तो इसकी जो लीव्स हैं वो बर्न हो सकते हैं और इसके पत्तों की कलर ये फेड हो सकते हैं। तो इस प्लांट का जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर मेरा एक वीडियो है और उसके सॉल्यूशंस भी हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए आप एक पार्ट रिवर सैंड या बजरी लीजिए, एक पार्ट गार्डन सॉइल और एक पार्ट कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या आप किचन वेस्ट का कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट को आप साल में एक बार फर्टिलाइज कर दीजिए स्प्रिंग सीजन में, तो हो जाता है। और वाटरिंग भी फ्रिक्वेंटली मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी होने से इसका रूट रॉट होता है। तो ये देखिए, मैंने एक बेबी प्लांट निकाल लिया है। स्नेक प्लांट के जो बेबी प्लांट्स हैं वो ऐसे राइजोम से निकलते रहते हैं और इन राइजोम्स को आप सेपरेट करके अलग से लगा सकते हैं। तो इस तरह आप प्रोपागेट कर सकते हैं राइजोम्स। ये देखिए मेरा बेबी प्लांट कितने अच्छे से निकल गया है। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे बेबी प्लांट्स थे। तो स्नेक प्लांट को आप तभी रिपोर्ट कीजिए जब ये अच्छे से रूट बाउंड हो जाए, यानी कि बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट्स आके ये रूट बाउंड हो जाए, तभी आपको इसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो इसे मैं अभी रख दूँगी 2 दिन के लिए ताकि ये सूख जाए और फंगल अटैक ना रहे। तो आप आराम से लगा लीजिए 2 दिन बाद। तो और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 15-20 दिनों बाद भी आप पानी दीजिए तो भी चलता है। मेरे केस में तो ऐसा ही है, मैं 15-20 दिन बाद ही डालती हूँ, कभी कभी तो 1 महीना बाद भी डालती हूँ। तो इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ये एक अच्छी बात है। ज़्यादा पानी मिलने पर ये रूट रॉट हो जाएगा। तो 2 दिन के लिए आप रख दीजिए, लेकिन मैं अब 2 दिन के लिए नहीं रखूँगी, आप लोगों को अभी लगा के दिखाऊँगी। तो ये देखिए, पॉटिंग मिक्स मैंने जैसे बताया था वैसे ही लिया है। फिर मैं अभी इस प्लांट को लगा लूँगी और इसमें अच्छे से पानी दे दूँगी। तो आप भी 2 दिन बाद ऐसे लगा लीजिए और अच्छे से पानी दे दीजिए ताकि नीचे के होल से पानी निकल आए। और फिर इसे थोड़ी शेडी एरिया में रख दीजिए और नेक्स्ट आप वाटरिंग इसमें तभी कीजिए जब अच्छे से मिट्टी सूख जाए। तो ये प्रोपागेट करना आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है। इस प्लांट को आप सिंगल लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं या एक लीफ को आप 3 इंच में काट के भी लगा सकते हैं। वाटर और सॉइल दोनों में ये अच्छे से चलता है, लेकिन मैं तो सॉइल ही प्रिफर करती हूँ। इस प्रकार के प्रोपेगेशन से ये जल्दी ग्रो होता है,
लेकिन अगर आप इसे लीफ से प्रोपागेट करते हैं तो 1-1.5 महीना लग जाता है। तो इस प्लांट को लगाना और इसे प्रोपागेट करना बहुत ही इजी है, और ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर भी है। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए अपने घर में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।